थ्योरम 6.3 बिल्कुल उल्टी है 6.2 के। इसमें हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन है, लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। हम फिगर बनाते हैं, दो लाइन मानता हूँ ए बी और सी डी, ट्रांसवर्सल पी एस मानता हूँ, ये पॉइंट क्यू, ये पॉइंट आर। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, ऑल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल के लेफ्ट और राइट साइड, इंटीरियर का मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में। तो मेरा एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये, यानी हमें एंगल बी क्यू आर और एंगल सी आर क्यू इक्वल गिवन है। लाइन ए बी और सी डी को हमें पैरेलल प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए मेरा ये वाला एंगल, एंगल बी आर क्यू, और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और हमें ये दोनों ग्रीन वाले एंगल्स इक्वल गिवन है। इसका मतलब मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, लेकिन ये दोनों एंगल्स मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। अब क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइनें ए बी और सी डी पैरेलल होंगी। आइए इसे करते हैं। पहले मैं गिवन लिखता हूं और टू प्रूफ, दो लाइंस ए बी और सी डी गिवन है, ट्रांसवर्सल पी एस गिवन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन है, यानी ये दोनों ग्रीन वाले एंगल्स इक्वल हैं। प्रूफ करना है ए बी और सी डी पैरेलल हैं। प्रूफ देखते हैं। अब लाइन ए बी और पी एस के लिए, यानी इन दोनों लाइंस के लिए, एंगल ए क्यू पी, यानी ये रेड वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल बी क्यू आर, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और हमें गिवन है ये दोनों ग्रीन वाले एंगल्स इक्वल। तो इसका मतलब ए क्यू पी और बी क्यू आर इक्वल है, बी क्यू आर सी आर क्यू इक्वल है, यानी इन दोनों में से ए क्यू पी और सी आर क्यू, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। लेकिन ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसका मतलब लाइन ए बी और सी डी के लिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो मेरी लाइंस पैरेलल होंगी। हमें यही प्रूफ करना था।